साढ़े सब का ले लीजिए। आइए सुरेश जी, सुरेश वो माया का स्वरूप तुम्हारा धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। माया के प्यार का देखिए आपके छूट गए सर। कर आपका नाम बोलिएगा उसका सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आज आप क्या लॉन्च कर रहे हैं। हाँ नमस्कार, मैं राघव कुमार झा। आज फिर एक मेरे एक म्यूजिक एल्बम है जो लॉन्च होने जा रहा है, इसका नाम है चलो चादर में। और जैसे आपने पहले वाले मेरे सॉन्ग्स मेरे देखे, इस तरह उसको आपने इतना प्यार दिया, मैं चाहूँगा कि इस गाने को भी वही सम्मान और प्यार मिले आप लोगों से, जिनको खूबसूरत अपने शब्दों से सजाया है हमारे अलका जी ने। और काफ़ी अभी से जो हमने जितना हमने दो तीन बार एडिटिंग वगैरह में हमने देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एक ग्राफ लेबल जो झा प्रोडक्शन का जो एक मोटिव है कि हर वीडियो में एक ग्राफ लेबल देने का, हर म्यूजिक लेबल से हो या ऑडियो लेबल से या वीडियो लेबल से, वो बहुत ही उमदा काफ़ी हद तक इन्होंने अपने को टच किया है और बहुत अच्छा लगा इस काम ये सॉन्ग करके मुझे चलो चादर पे जो मेरा है बहुत इनके करीब ये सॉन्ग। और आप इसमें किस किस रूप में नजर आने वाले हैं? इसमें मैं एक कैरेक्टर है कि शहर का लड़का के अंदर नजर आने वाले हैं ये। हाँ लेकिन वो जब ख़त्म हो जाता है तब, मतलब गाने के एंड में चादर के अंदर जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। तो और जैसे डायरेक्टर बोलेगा, क्योंकि हमको तो हम आर्टिस्ट हैं, हमको जो डायरेक्टर बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। चादर के अंदर जाओ या हिमालय पे जाओ, जहाँ पे भी बोलेंगे जाने के लिए हमें तो जाना पड़ेगा। नहीं, हिमालय पर नहीं जाएंगे, बहुत सारी पिक्चरें हैं हमने साइन की हुई। ठीक है, तो चलो चादर में जो गाना है इसमें मेरा एक कैरेक्टर है, बाहर का यंगस्टर लड़का है जो बाहर से पढ़ के आता है। और थोड़ा इन्होंने जो टच दिया है ना इसमें, पहली बार सच में बोलूँ कि अभी तक जितने गाने मैंने अभी तक जो झा प्रोडक्शन के थ्रू किया है, ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है ये अभी तक का मेरा। और मैं चाहूँगा इसमें अलका जी से भी कुछ बोलेंगे, मैं काफ़ी देर से बोलते जा रहा हूँ। जी जी अलका जी, बिल्कुल चलो चादर में कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है सही में। बिल्कुल हमारे सभी देखने वाले दर्शकों को अलका झा का सादर प्रणाम है। और बिल्कुल अब बहुत ही प्यारा एल्बम आज है चलो चादर में, जो राघव झा जी ने एक्ट किया है और बहुत ही खूबसूरत एक्ट किया है, मैंने तो देखा भी अभी। और बहुत ही प्यारी कंपनी, जो एक लेवल की कंपनी है, वो टी3 से आ रहा है ये सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। इससे पहले भी टी3 से गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आपके अभी ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग जो हैं वो टी3 से ही आने वाले हैं। और हम सबकी ब्लेसिंग आपके साथ है, ऐसे ही बस काम करते रहिए। और हमारे मिथिलांचल को कुछ नया गौरव अगर मिला है तो अच्छी बात है, इसके साथ काम करते रहिए और मिथिला का नाम ऊंचा करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा तो यही है कि एक मैथिली इंडस्ट्री को धीरे धीरे करके डेवलप करके, और हो रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है हमारे को कि मैथिली इंडस्ट्री धीरे धीरे करके एक बिल्डअप हो रही है। वो आने वाली हमारी पिक्चरों में भी आप देखेंगे, हमारी फिल्म है जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक। कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप जो इनके झा प्रोडक्शन से कोई आया हुआ हो, रिलीज हुआ हो या रिलीज होने वाला है? नहीं रिलीज होने वाला है वो तो नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि अभी हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत। आजकल क्या होता है कि अगर आपने इंटरव्यू दिया, पाँच मिनट के बाद ये यूट्यूब पर नजर आने लगता है, उसके बाद तो इसके लिए नहीं करूँगी। बस ये है कि ये अभी मैंने किया है चलो चादर में, और ये बहुत जल्द मतलब एक दो दिन में ही आने वाला है। और वैसे मेरी एक फिल्म भी आ रही है मैथिली फिल्म दुल्हा चोर, और दूसरी है हम लक्ष्मी यहाँ के अंगना के, उसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग किए हैं। तो अभी मिथिला के लिए समर्पित काम हो रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है।
और हालांकि मैं मिथिला से नहीं हूँ लेकिन अभी जुड़ गई हूँ मिथिला से, तो बस। लेकिन आप मैथिली बहुत अच्छा बोल, हाँ मैथिली बड़ नीक बाजे छी, कनि हम मैथिली में बाजियो इन अखन हम सिखै छिए अहाँ सब से सिखै छिए। पता क्या हल्का जी का ना जो मैथिली जो बोलती है ना जोर ला के, मतलब हम सीखे हम ठीक बजलिए ना, मतलब ये जो उनको दिक्कत ना, तो उसके लिए अभी क्या होता है मैं मंच पे भी यही बोलती हूँ कि अखन कनी कनी सीखे छी हमरा पूरा नहीं। लेकिन एक चीज मुझको अलका जी बताइए कि आपने जो ये जो बोला कि मैं मैथिली सीखती हूँ, तो आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं, तो आप मैथिली बोलती हैं, सीख रही हैं और बोल रही हैं, लेकिन आप इतने परफेक्ट तरीके से मैथिली गाना कैसे गाती हैं? वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको मैथिली नहीं आती। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो राइटर का होता है, हम सिंगरों को गवाने का जो पूरा श्रेय जाता है, अगर लैंग्वेज की आप बात करोगे तो वो राइटर होता है, एक शब्द देखता है कि नहीं, हम एक एक गाना के एक लाइन जो छे पांच बार पंच करी छे, नहीं है यो यो आना चाहिए, यो आना चाहिए, तो वो अगर नहीं आता है तो राइटर हमारे बैठे रहते हैं, वो हमें बताते हैं। और फिर सिंगर के लिए लैंग्वेज का आई थिंक कोई नहीं होता, मैंने गुजराती किया है, मराठी भी किया है, पंजाबी भी किया है और मैथिली भी 3 फिल्में कर चुकी हूँ, तो सारा श्रेय मैं राइटर को देती हूँ। और उसके बाद तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अगर उसमें सुरेश आनंद जी होते, बिल्कुल सुरेश आनंद झा जी। और आपको मैं बताऊं कि जो मैथिली के अगर मेरे गुरु रहे हैं तो वो सुरेश आनंद झा जी रहे हैं। मैंने फर्स्ट मंच जो मैथिली का किया वो सुरेश जी के साथ किया, और आज मैं उनके साथ बहुत सारे डुएट सॉन्ग्स भी कर चुकी हूँ, उनकी फिल्में भी कर चुकी हूँ, और उसमें मेरा एक सॉन्ग बड़ा फेमस रहा है, रे सैया ने जब झुमरे तिलैया, आयो यो सैया ने जब झुमरे तिलैया, जेबो हम झुमरे तिलैया, देबो आंगर पकड़बा तो भैया, हो न करबा तोरा सा प्यार, जेबो झुमरे तिलैया। तो काफी सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है मिथिला की तरफ से। आप इतना अच्छा गाती है ना, मैं सोचता हूँ सिर्फ आप गाती रहे और मैं आपको सुनता रहूँ, बस आप लोग का आशीर्वाद है, ऐसी गाती रहूँ, उम्र गाती रहूं, मरते दम तक गाती रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो ज्वाइन देखिए मेरी मिलाएंगे पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पहले हम आपको मिलाना चाहेंगे। यही खड़े हो गए, फाइनल किया जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूं, मैं सुदीप सुमन, मैंने मेरा इस जो भी एल्बम बन रहा मैंने 3 तरीके से मैंने इसमें काम किया है, एज ए DOP एडिटर एंड जो डायरेक्टर, हम दोनों ने मिलकर काम किया है। और मैथिली में मैंने हम लोगों ने पहली बार फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी दिक्कतें हुई बट बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग सुन के बहुत ही प्यारा लगा। और हम लोगों ने एल्बम बनाने के पहले बहुत मेहनत की है, हमने खासतौर पे हम लोग मनीष शर्मा और मैंने प्री प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, तब जाके ये सॉन्ग अच्छा बना। मनीष जी आप क्या बताना चाहेंगे इस एल्बम को लेकर? ये एल्बम बहुत ही अलग है, और इससे ये एल्बम बहुत अलग है पिछले भी जितनी एल्बम से अलग है, बिकॉज इसमें इस एल्बम में आपको राघव झा डांस देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा डांस है, और आप देखोगे तो आपको इसको एंजॉय करो, और ये गाना तो है ही अच्छा, और चलो चादर ये गाना रिलीज होने के बाद डेफिनेटली गाना सबको अच्छा लगेगा। इसमें आप एडिटिंग भी खुद कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ों को शूटिंग के टाइम पर ध्यान दिया था? लोकेशन पर ज़्यादा मैंने हम लोगों ने ध्यान दिया कि बहुत से लोकेशन शूट, एक्चुअली क्या होता है कि भोजपुरी में बजट कम होते हैं और सॉन्ग्स ज़्यादा होते हैं, बट मैथिली में 2 दिन हम लोगों ने टाइम दिया है सॉन्ग्स को, अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाके, लोकेशन बहुत माइंड ब्लोइंग लोकेशन इसमें यूज किए गए, सुपर लोकेशन सीक्वेंस, और इसमें फ्रेमिंग का भी आपको दिखाई देगा एक टेक्निकली पॉइंट से अगर देखा जाए गाने को। और तो जब ये गाना तैयार हुआ तो टी सीरीज वालों ने तुरंत इसको मतलब वन शॉट जैसे अभी तक लेते आ, और टी सीरीज ने झा प्रोडक्शन के लिए हाथ खुले कर दिया, आओ बनाओ और दिखाओ दो हमें, मेरे पास आओ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा काम करके जहाँ प्रोडक्शन के साथ, और बाकी लोग से हाँ रेडी जी, बताना चाहिए आपके बगल में कौन? हाँ अभिराज जी मेरे बड़े भाई, उन्होंने हमेशा जब भी मैंने कोई भी काम किया है जहाँ प्रोडक्शन के थ्रू, जो भी कोई प्रोडक्शन है जहाँ प्रोडक्शन के, नहीं मैं सच बताता हूँ अभिराज जी के बारे में, जब भी कोई मिथिलांचल इंडस्ट्री का मैथिली का कुछ भी काम कार्यक्रम फिल्म सॉन्ग कुछ भी होता है तो ये अपना 100% समर्थन देते हैं, अपना कीमती समय निकाल करके हम लोग को आते हैं, हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि और अच्छा कीजिए, और बेटर कीजिए, और बढ़िया कीजिए। मैं इनका थैंक्सफुल रहूँगा कि हमेशा ये आए मेरे से और मुझे मोटिवेट किया इन्होंने हर जी। क्या बताना चाहेंगे आप, इनका दो दो एल्बम लॉन्च हुआ है आगे पीछे? एक बार फिर से धन्यवाद हाँ सबके, और खासकर झा प्रोडक्शन, राघव जी
मनीष जी और सुदीप जी के जो मैथिली के लिए एतेक अग्रसर छथि। हम एतबे कहब मैथिली के लिए जे हम मैथिल मिथिला के वासी, भाषा हमर महान। हम मैथिल मिथिला के वासी, भाषा हमर महान। धोती कुर्ता पागो गमछा, जाति एक समान। सबके राम राम राम, सबके राम राम राम। बस आशीर्वाद दियौन हिनका सबके जे जय जयकार करैत रहत और मैथिली के लेल अहिना काज करैत रहत और मैथिली भाषा के अहिना आगू बढ़बैत रहत। अहाँ सब अपन अपन योगदान दियो, देख कर सुन कर और सब किछ आशीर्वाद दक। धन्यवाद। बताना चाहेंगे इनके बारे में? संजीव लांबा, ये संजीव जी हैं, मेरा फ्रेंड है। एक्चुअली उसने अभी तीन तक बोला था क्या है, झा प्रोडक्शन की थी। हाँ हाँ, है ना। मैंने कहा ना, झा प्रोडक्शन मैथिली साथ साथ और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस पर काम करता है। साउथ साइड में तो है ही, इनका बहुत अच्छा है टेक्नीशियन डिपार्टमेंट का। अब धीरे धीरे करके ये लोग फ्रंट पे आए, वीडियोग्राफी पे, फिल्म लॉन्चिंग में, फिल्म रिलीजिंग में, इन सब में ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और ये भी मेरा फ्रेंड है, रिसेंटली इसने एक सॉन्ग बनाया था तीन टकीला सॉन्ग, काफ़ी अच्छा बना, बहुत अच्छा, और काफ़ी अच्छे चैनल्स है। वो तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम रह रहा है इनका, ठीक है। मैं कहूँगा कि जिस तरह से झा प्रोडक्शन जिम में आगे बढ़ा है, आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। मैथिली के साथ साथ और भी काफ़ी सारे लैंग्वेज झा प्रोडक्शन आपके पास ले करके आ रहा है, ठीक है। संजीव लामा का तीन टकीला शॉट आ रहा है, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, आपके सामने आने वाला है। तो करूँगा कि भगवान से आप सब लोगों का साथ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनका जो एल्बम लॉन्च हुआ है आज, उसके बारे में बताना चाहेंगे? तो बहुत बढ़िया है इनका ये एल्बम, और मेरा तहे दिल से शुक्रिया है कि इनका बहुत बढ़िया जाए, बहुत अच्छा। मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, राजस्थान। फिर भी जब उसने मैथिली सॉन्ग सुना हमारा, हाँ, तो इसको बहुत अच्छा लगा। बोला यार ऑसम है, क्या मस्त सॉन्ग बनाया तुमने। तो मतलब जब एक दूसरे स्टेट्स के लोगों ने देख करके हमारे को जब वही किया, तो आप सब लोग प्लीज़ देखिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये सॉन्ग। और इसी तरह जैसे आपने अभी तक मेरे को सपोर्ट किया है राघव झा को, इस लेवल तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए सर को। इसी तरह आगे भी आप करते रहिए, मैं आपका थैंक्सफुल रहूँगा, हमेशा आपके ऋणी रहूँगा। ओके, थैंक यू। और मैं क्या कहना चाहेंगे, मैथिली में एक बड़ा बजट पे, बड़े पैमाने पे निर्माण किया गया है। जी हाँ, बड़े पैमाने पे किया गया है इस गाने को, चला चादर पे, और चटपटा है, कोई जो मसालेदार एक होता है ना कि बड़ा नोक झोंक कर मज़ेदार गीत है। और मैथिली में चूँकि ये प्रयास किया गया है, तो हम लोग के लिए तो बहुत खुशी और गर्व की बात है कि मैथिली में कुछ काम हो रहा है जो अच्छे लेवल पर जा रहा है। ये तीसरी से रिलीज हुई है और इनके सब कर्ता धर्ता राघव जी हैं, जो झा प्रोडक्शन आप लोगों के ही हैं, और इसमें इन्होंने खुद गाया है, अलका जी ने गाया है, अच्छी आवाज़ दी है, और हीरो का काम भी ये कर रहे हैं उसमें, और अच्छा है। मैथिली जगत में एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ आना, ये बहुत ज़रूरी है इस जमाने में, जिस हिसाब से ज़माना चल रहा है। सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन और क्वालिटी के भी हिसाब से भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, जो चला चादर में दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा प्रयास किया है एक लेबल जो मेंटेन झा प्रोडक्शन ने जो किया है ना, मेरे को देखे डे पर डे बाय डे, जैसे कि इनका सॉन्ग आया मित्ता धाम, इनका फर्स्ट सॉन्ग था, उससे आप चालू चादर के ऊपर जब जाएंगे, मतलब कंटिन्यूटी 5 सॉन्ग के बाद जो इन्होंने एक लेबल मेंटेन किया है, बहुत अच्छा लेबल मेंटेन किया है। और ये ग्राफ देख करके लग रहा है कि अब मिथिलांचल इंडस्ट्री को अच्छी पिक्चरें बहुत जल्दी मिलने वाली है। बैक टू आने वाले समय में ये बात तो है कि जैसे मिथिला की फिल्में लगती नहीं है, मैथिली की फिल्में टॉकीज में नहीं ले जा पाते हैं हम लोग, पता नहीं हमारी कमजोरी है या मिथिला सिनेमा हॉल वालों की कमजोरी है या पूरे संपूर्ण मैथिली समाज के लिए कमजोरी है, लेकिन हमें आशा है कि चीज़ें बदल रही है, परिवर्तन का दौर चल चुका है। मिथिला में अच्छी क्वालिटी, अच्छी सिनेमा, अच्छे गीत संगीत आना शुरू हो गया है, और उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि इनके समूह का ये बड़ा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है मैथिली में। आशा है आप सबको, अहाँ सबके नीक लागत हमारा आशा छे, और जय जय कहूँ, इनका आशीर्वाद दियो,
जय जयकार कह दियो, चूँकि मैथिली छे मिथिला भाषी के लिए गर्व के बात छे, किछ होना ही बहुत बड़ा बात छे। धन्यवाद जी। राम भाई बोलते कुछ एक सवाल। जितेंद्र जी बात करें, झा प्रोडक्शन के जो है एक से बढ़कर एक दमदार प्रस्तुति आ रही है, अभी एक एल्बम लॉन्च हुआ था और दूसरा भी लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह भोजपुरी एक इंटरनेशनल मार्केट पकड़ लिया है, मलेशिया से लेके और तमाम देशों में भोजपुरी देखी जा रही हैं, फिल्म लग रही हैं, वहाँ पे बड़े बड़े शो इवेंट हो रहे हैं, उस तरह अगर हम मैथिली से जुड़े हैं और ख़ासकर मैं झा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो भाषा है मैथिली भाषा है, इसे भी इंटरनेशनल मार्केट मिले, इसका भी शो देश विदेश में हो और प्रोडक्शन बहुत आगे जाए, ये चैनल कहूँगा मैं। बिल्कुल। तो कुछ गा के सुनाना चाहेंगे? मैथिली में तो फिलहाल मैं भी नहीं गाता हूँ, लेकिन अभी नवरात्र का जस्ट आने वाला गणपति के बाद आज एक लाइन मैंने गीत गाया है, भजन कि कबल एने वोन भटकी मामला फिट कई दा है जितेंद्र झा के मैया सोईट कई दा कि लोगवा पागल कहेला हमके लूटे बड़ा मजा हास लगा के तोहरे मैया आइल बनी दरवाजा कि हाथ के बिगड़ल बाटे रेखा जवन ठीक कई दा जितेंद्र झा के हई राघव झा के मैया या सोहीट कई द। राघव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राघव जी नो डाउट बहुत अच्छे इंसान हैं और इनसे मेरी मुलाकात लगभग एक आध साल हुआ है, एक साल में इन्होंने ऐसा हमारी मुलाकात लगता है कि हम एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हैं। और मेन ट्यूनिंग है। हाँ सब सही में, सबसे ज्यादा सहमत मेरी बात से सहमत। बिल्कुल बिल्कुल मैं इनके बात से सहमत करूँगा, क्योंकि मेन क्या जब भी हम लोग मिले हैं, एक देखिए जितेंद्र झा भी हमने अभी काम भी किया साथ में, तो एक क्या होता है ना कि एक हम लोगों ने ये नहीं कभी भी कॉम्प्लेक्स फील नहीं किया कि नहीं यार एक ये शूट कर रहे हैं तो यार वो अच्छा कर रहा है यार नहीं वो कैसे बेटर होगा, उल्टा ना मैं जितेंद्र जी मुझसे पूछते हैं यार मैं खराब किया क्या नहीं, अभी मुझसे पूछते हैं खराब क्या क्या मैं और अब क्या बेटर करना चाहिए मतलब, तो मैं इनको एडवाइस देता हूँ, ये मेरे को एडवाइस देते हैं। तो इस तरीके से ट्यूनिंग ऐसे बनता गया है कि अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही मैं ये चाहूँगा, मैं झा प्रोडक्शन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारी पिक्चर आने वाली है बहुत जल्दी आए थिएटर पे, जिसमें आप जितेंद्र झा और राघव झा को एक साथ देखें, एक टुकड़े में देखें। अक्टूबर में एक मैथिली मूवी बन रही है, जी बन रही है, उसमें हम दोनों भाई लीड पे हैं कर रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि अभी इतनी जल्दी हम लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर सोच बदलेगी तो दिशा बदलेगा और एक नया रास्ता बनेगा मैथिली समाज के लिए भी। बहुत अच्छे लेवल से पिक्चर बनने जा रही है और जो एक मैथिली का जो कहते हैं ना जो ग्राफ पिक्चर का है, अगर झा प्रोडक्शन सपोर्ट कर रहा है तो ऑलरेडी वो लोग बहुत हाई लेवल्स के टेक्नीशियंस हैं, खुद ही हैं इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग जिस हिसाब से बना रहे हैं अभी आप कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग मैथिली समाज बिखरा पड़ा था, हाँ उसको इन्होंने बहुत मेहनत से समेटा है और एक किया है, तो कुछ बूम होगा और आप मीडिया वाले का सहयोग, आप तमाम जो चैनल्स वाले हैं जो हमें सुनते हैं देखते हैं, हमारे व्यूअर्स को लाइक करते हैं, हमारी बातों को मिथिला समाज से लेकर तमाम भाषा पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद, जो मुझे रामचंद्र भाई हैं, तमाम जो पैसे प्यारो हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जितेंद्र झा को राघव झा को तमाम लोग जो सपोर्ट किए हैं और इतना बहुमूल्य समय आपने दिया है छुट्टी के दिन में भी। हाँ मैं ये मीडिया से जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, राम जैसे राम जी हैं और जो भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारा सपोर्ट कर, मैं इनका थैंक्सफुल कहूँगा। देखिए जो लोग हम लोग जो काम करते हैं वो काम का हमारा जो मेहनत होता है, मतलब कैम जब क्या होता है ना, जब एक फिल्म रिलीज हो जाती है, सॉन्ग रिलीज होता है, तो एडिट वेडिट करके वो प्रॉपर एक फिक्स हो करके आता है, तो प्रॉपर उसका मेहनत एक आर्टिस्ट का या कोई म्यूजिशियन का वो दिखता नहीं है। वो आज की डेट में जो मीडिया ने जो इंट्री किया है, मीडिया हम लोग का जो वर्क दिखाते हैं और हम लोग का जो हार्ड वर्क दिखाते हैं मेहनत, उसके लिए मैं मीडिया का हमेशा थैंक्सफुल कहूँगा कि लोग हमेशा हमको सपोर्ट किए हैं और हमारे जो भी हमने चाहे छोटा काम किया है बड़ा काम किया है उसको सपोर्ट करके मुहिम तक हमारे घर घर में पहुँचाया है, लोगों को मोटिवेट किया कि नहीं आप देखो देखो देखो, अगर मैथिली इंडस्ट्री आज कुछ अगर मुकाम पर पहुँची है उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये हम लोगों ने खुद एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन सब लोग ने सपोर्ट मिलकर सब मिला जुला के मैथिली भाषा हम कह सकें कि हम सब बहुत जल्दी किछ बूम करे वाला, बहुत बड़का बूम करे वाला छी हमसब, हमसे हमारे सबके फिल्म आ रहा है जिस हिसाब से हमसे स्टोरी सुनलिए हैं कि अहाँ सब कहे जे 3 घंटा अहाँ सब थिएटर में अब ना
तो पूरा पैसा वसूल मिला जुला के कह सकै छी सब भोजपुरी समाज के सब मिथिला समाज के जतेक लोग प्यार दै छै जितेंद्र झा के राघव झा के ई प्यार अखन से ला के मरे तक अंत सांस तक एहना प्यार दैत रहबै। जय माता दी। गोर लागै छी, प्रणाम करै छी। फर्स्ट टाइम जैसे मैंने बाली के साथ काम किया सबसे मुझे डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है। मैं जब फर्स्ट टाइम गेम के साथ काम किया मुझे बहुत डर लगा था कि कैसे कैसे गेम करेंगे, लेकिन जब उनका मेरा गेम प्यार देखा, जब मैंने उनका काइंडली करके समझाते, इतने प्यार से समझाते बेटा ऐसे करो ऐसे करो, उनको बहुत अच्छा लगा मेरे साथ काम करके। और इन फ्यूचर भी मैं उनके साथ काम करूँ, आने वाले जो है पैसे प्रोजेक्ट करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बाईस से लेकर गया है और धीरे धीरे करके ऐसे करने जा रहा हूँ। मैं कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने कुछ काम रखा